अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। एलाइड स्कूल फेस कैंपस एंड टुडे इज़ योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड फोर फ्रॉम योर स्प्रिंग बैक टू। आपका चैप्टर नंबर है 2 जिसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। हम देखेंगे कौन से नंबर्स हैं जिनके कितने फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल्स कितने होते हैं, तो इस चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज 2A है जिसका क्वेश्चन 1, 2, 3 जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। फर्स्ट वाला आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है, सेकंड ट्रू फॉल्स है, और थर्ड जो है वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इस को आपने सॉल्व करना है। इसका सोल्यूशन जो है वो आपको स्प्रिंग पैक में साथ में दिया जाएगा। आपने वहाँ से देख के आंसर्स को देख के इसको सॉल्व करना है बुक पे, ठीक है। एक और चीज़ कि आप लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर आपकी एक्सरसाइज 2A है तो इससे पहले जितने पेजेस होंगे ना वो उसके बारे में बताया जाएगा कि जो भी इस एक्सरसाइज में बताया जाएगा ना उसके बारे में पहले डिस्कस हो जाएगा। तो आपने वो चीज़ें जो हैं वो रीड आउट करनी है ताकि आप को जो है ना ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में मुश्किल ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आपको स्प्रिंग पैक में जो पेज नंबर दिया जाएगा उसमें आपको बता दिया है उसका क्वेश्चन 1, 2, 3 जो हैं वो ऑब्जेक्टिव उनके आंसर्स दिए हैं। आप ये आंसर देख के उन्हें सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 1, 2, 3 जो है वो आप बुक पे सॉल्व करेंगे क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और बाकी जो क्वेश्चंस होंगे ना क्वेश्चन 4 से 8 तक उनको आप अपने रजिस्टर्स या नोटबुक जो आपने लिया ना उन पे सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन 4 देखिए हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। जो कौन सा नंबर जो है, ये आपको कोई भी नंबर्स मतलब रैंडम दिए जाएंगे, पूरे क्वेश्चन में पार्ट्स होंगे, उनको बताएंगे कि कौन कौन सा नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाता है। एक और चीज़ मैं आपको इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, इस एक्सरसाइज से पहले ना बुक पे पेज नंबर 20 उसमें 4 रूल्स आपको दिए होंगे डिविजिबिलिटी के, यानी कि आप देख सकते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, यानी ठीक है उसको किस नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि रूल 1 जो है वो लिखा हुआ है बुक पे 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि ये सारे इवन नंबर्स हैं। तो जितने भी इवन नंबर्स होते हैं ना वो 2 पे इजीली डिवाइड हो सकते हैं, यानी जिसके अगर कोई नंबर आपको लिखा हुआ है उसके लास्ट पे अगर आप 0, 2, 4, 6 ऐसा कोई नंबर लिखा होगा ना, इवन नंबर लिखा होगा, तो आप समझ लेना कि वो नंबर जो पूरा है ना वो 2 पे डिवाइड हो सकता है। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है जिसके जीरो एंड पे 0 या 5 लिखा हो तो वो ईजिली 5 से डिवाइड हो सकता है। अगर कोई नंबर पे खाली मतलब 0 अगर आप हो तो वो 10 से भी डिवाइड हो सकता है, यानी अगर तो 0 या 5 लिखा हो तो वो 5 से भी हो सकता है, और अगर खाली अगर 0 है तो वो 10 से भी हो सकता है। और अगर कोई नंबर लिखा है जिसको आप देखते हैं कि उनको सारों को ऐड करने से वो नंबर 3 पे डिवाइड हो रहा हो तो वो टोटल नंबर भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि अगर क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट ये क्वेश्चन में जो है ना वो 200 लिखा हुआ है, ठीक है, 200 अब 2 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं, क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा है। अब 200 के लास्ट पे देखो क्या लिखा हुआ है, 0, तो 0 एक इवन नंबर है तो इसलिए इवन नंबर जो भी होगा वो 2 से डिवाइड हो सकता है। अब इसके आंसर में लिखेंगे येस, बिकॉज 200 इज़ एन इवन नंबर, अकॉर्डिंग टू रूल 1 इट इज़ डिविजिबल बाय 2। बाकी पार्ट्स भी आप ऐसे देखेंगे, यानी हर नंबर जो है ना वो कोई 200 या 126 या 2023 मतलब 200 समथिंग कुछ या 139 इस तरह से नंबर लिखे होंगे, आपने उनको सॉल्व करके ना देखना है कि वो 2 पे डिवाइड होते हैं या नहीं। सबसे पहली चीज़ फिर बता दूं, आपने रूल्स अच्छी तरह से देख लेने हैं जो कि बुक पे पेज नंबर 20 पे हैं, तभी आपको ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो सकेंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ़ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। क्वेश्चन 4 में हमने देखा था कि कौन से 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 5 में हम देखेंगे कौन से नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं। अब 3 के लिए क्या रूल था कि कोई भी जो नंबर आपको दिया जाएगा आपने पहले उन सब नंबर को ना आपस में प्लस कर लेना है। वो नंबर जब आप प्लस करोगे तो अगर जो नंबर आता होगा अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है तो ये ओरिजिनल नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है। सपोज़ ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट उन्होंने सॉल्व करके दिया हुआ है, क्वेश्चन है हमारा 624। अब हम क्या करेंगे, ये 624 को आपस में ऐड कर लो, यानी 6 + 2 + 4 इस तरह से लिख लो, तीनों को आपस में ऐड करो तो वो क्या बनता है 12। अब 12 जब वो 3 पे डिवाइड हो जाता है, मतलब 12 किस तरह से 3 पे डिवाइड होगा, 3 के टेबल में कहाँ पे आता है, 3 × 4 = 12, तो आपका टोटल डिवाइड हो गया ना, इसलिए अगर आपका ये 12 3 से डिवाइड हो रहा है तो आपका ये जो ओरिजिनल नंबर 624 था ना ये भी आपका जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे येस इट इज़ डिविजिबल बाय 3, ठीक है। नेक्स्ट आपके और बाकी क्वेश्चंस को भी आपने इसी तरह से सॉल्व कर लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। तो आपने देखना है कि नंबर्स जो क्वेश्चंस जितने भी आपको दिए होंगे वो आपने देखना है वो 5 से डिवाइड होते हैं या नहीं। तो 5 से डिवाइड होने का ये रूल है कि अगर भी उस नंबर के लास्ट पे 0 या 5 से लिखा होगा तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट है 2900। अब इसके लास्ट पे देखो तो 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 0 लिखा हो तो वो आपका जो है वो 5 से डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए इसके आंसर में आप लिखेंगे यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। तो 10 से डिवाइड होने का एक ही रूल था कि उसके लास्ट पे 0 लिखा होना चाहिए। अगर क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट देखें तो वो लिखा हुआ है 7281, लास्ट पे लिखा हुआ है 1, 0 नहीं है, तो इसलिए ये 10 पे डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 10 से डिवाइड होने के लिए लास्ट पे 0 होना जरूरी था। इसके लिए आप लिखेंगे नो, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 देखें, यूज द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी टू चेक वेदर ईच गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 3, 5 और 10। राइट येस और नो, ठीक है। आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपने उन पर बताना है कि वो किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, 2 से हो सकते हैं, 3 से हो सकते हैं, 5 से हो सकते हैं या 10 से होते हैं। जिससे हो रहे होंगे उसके आगे आप, उसके नीचे आपने येस लिख देना है, जिससे नहीं हो रहे होंगे उसे आपने नो लिख देना। और इसको भी सॉल्व इजिली करने का तरीका क्या है कि आपने वो रूल्स याद करने हैं, तब आप यहाँ पर येस और नो ईजिली पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर आपकी है 2B। इसमें आपका क्वेश्चन 1, 2, 3 फिर से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। इसमें अच्छा, इस एक्सरसाइज में ना जैसे पिछली एक्सरसाइज में आपके वो डिविजिबिलिटी के रूल्स थे वो आपके पूरी एक्सरसाइज में थे, वो आप अच्छी तरह से पहले देखेंगे तो एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। तो एक्सरसाइज 2B को सॉल्व करने के लिए आपको किस चीज़ को पहले याद करना है, आपको देखना है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कोर प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो आपने एक्सरसाइज नंबर 2B स्टार्ट करने से पहले पेज नंबर 23 पे प्राइम नंबर्स और पेज नंबर 24 पे को प्राइम नंबर्स और पेज नंबर 26 पे कंपोजिट नंबर्स, इनको अच्छी तरह से इनकी डेफिनेशंस देख लेनी है, तब आप एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा, एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव को आप पहले सॉल्व करेंगे, इसके आंसर्स जो हैं वो आपको स्प्रिंग पैक पे दे दिए हैं, आप वहाँ से देख के सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ से देख के भी सॉल्व करें, लेकिन सबसे पहले आपने इन डेफिनेशंस को अच्छी तरह से समझना है ताकि आपको ईजी हो इसे सॉल्व करने में। नेक्स्ट सॉल्यूशन में जो आपका लिखा हुआ है कि क्वेश्चन 1, 2, 3 आपके जो हैं वो सॉल्व होने वाले हैं बुक पे, तो आपने उसको वर्क पे जो है वो आपको बुक पे आपने सॉल्व करना है उसको। साथ में क्वेश्चन जो 4 और 6 है ना उसको आपने रजिस्टर पे सॉल्व करना है, ठीक है, 4 से लेके 6 तक। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के जो है सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दे दिए हैं, इसे आप देख के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन 4 देखें, वो आपका है चेक वेदर द गिवन नंबर्स इन द टेबल बिलो आर प्राइम आर कंपोजिट। अच्छा, आपने क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और उसमें आपको ना आगे ब्लैंक दे दिया जाएगा। जैसे सपोज लिखा होगा 15 और 15 के आगे ना एक ब्लॉक लिखा होगा, आपने बताना कि वो 15 जो लिखा हुआ है वो प्राइम नंबर है या वो आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो एक मैं छोटी सी बात इसके लिए बता भी दूं कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं या 1 में आते हैं, ठीक है। तो और जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं ना वो और भी बहुत से टेबल्स में आते हैं। सपोज़ मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, जो 2 है वो या तो 1 में आता है 1 के टेबल में या 2 के टेबल में, और किसी नंबर में नहीं आता, किसी टेबल में नहीं आता। लेकिन अगर आप 6 देखें, जो 6 डिजिट है वो किस नंबर में आता है, 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है और 6 में भी आता है, यानी वो 3-4 नंबर्स में जो है ना टेबल्स में आ जाता है, ठीक है। तो जो 6 है ना आपका वो 3-4 टेबल्स में आ रहा है तो वो आपका कंपोजिट नंबर है। लेकिन जो 2 है जो सिर्फ अपने टेबल पे या फिर 1 के टेबल में 2 चीज नंबर्स में ही आ रहा है, सिर्फ 2 उसके फैक्टर्स बन रहे हैं, तो वो आपका क्या होगा, प्राइम नंबर्स। तो इसी तरह क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे तो आपने उनके ना ब्लॉक्स आगे दिए होंगे, तो आपने वहाँ पे बताना है कि वो कंपोजिट है या प्राइम। तो आप कंपोजिट के लिए सी लिख देंगे और प्राइम के लिए पी लिख देंगे। अच्छा, 15 अगर सपोज फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है 15 और 15 के आगे ब्लॉक लिखा हुआ है, तो 15 जो है वो किस किस टेबल में आता है, 1 में भी आता है, उसके बाद 3 में भी आता है, उसके बाद 5 में भी आता है, 15 में भी आता है, यानी 15 ones are 15। तो ये 3-4 नंबर्स में आ रहा है, इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं क्लास, यानी कि आपने ये देखो क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ 3 and 5, ये क्वेश्चन आपको आपने इसके बारे में बताना है ये को प्राइम है या नहीं है। तो को प्राइम में आपको 2 नंबर्स दे दिए जाएंगे, उन 2 के मल्टीपल्स आपने देखने हैं। अगर उनके मल्टीपल्स या उनके फैक्टर्स में कोई एक नंबर कॉमन हो जाए, यानी ज़्यादा नंबर कॉमन नहीं करने, एक नंबर कॉमन हो तो वो क्या होंगे, को प्राइम। इसको हम सॉल्व करते हैं, मैं इसको सॉल्व करके जो आपका स्प्रिंग पैक में नेक्स्ट पेज है उस पर सोल्यूशन इसका है हम वो देखते हैं।
आप देखें ऊपर लिखा हुआ है थ्री, तो थ्री के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वन और थ्री। थ्री जो है वन के टेबल में भी आता है, थ्री के टेबल में भी आता है, फाइव वन के टेबल में भी आता है और फाइव के टेबल में भी आता है। अब इनके फैक्टर्स देखो ना, पहले के लिखे हैं वन थ्री और दूसरे के लिखे हैं वन फाइव, तो दोनों में वन वन कॉमन है, तो आप लिखेंगे येस थ्री एंड फाइव आर को प्राइम नंबर्स बिकॉज दीज नंबर्स हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर। इनमें सिर्फ वन, अगर तो कॉमन फैक्टर ज़्यादा हो जाए ना तब को प्राइम नंबर नहीं होगा, और अगर कोई कॉमन फैक्टर ना हो तब भी आपका को प्राइम नंबर नहीं होगा। को प्राइम नंबर कब होगा, जब सिर्फ एक कॉमन फैक्टर दोनों का निकले, ठीक है। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2C है आपकी, उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसको आप जो है वो सॉल्यूशन से देख के और स्प्रिंग पैक पे इसके सॉल्यूशन है, आंसर्स भी हैं वहाँ से देख के आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ये स्प्रिंग पैक पे इसके आंसर्स लिखे हैं, फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स के आंसर्स लिखे हैं, फिर ट्रू फॉल्स और फिर गिवन ऑप्शंस यानी कि करेक्ट आंसर्स के, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखें आपका, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे और आपने बताना है कि उनके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। अच्छा, फैक्टर देखने का तरीका ये है कि आपने वो नंबर जो दिया जाएगा ना उसको आपने जिस जिस नंबर्स पे टोटल डिवाइड हो रहे होंगे ना, यानी रिमाइंडर में कोई जीरो ना आए, तो वह नंबर उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। जैसे कि 9 है, 9 जो है वो 1 से टोटल डिवाइड हो जाता है, यानी 1 के टेबल में आता है, 9 और किस टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में आता है, तो 9 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 9, 3 और 1। इसी तरह बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना वो आपने बुक पे सॉल्व करना है, क्वेश्चन 1, 2, 3 आपने बुक पे सॉल्व करना है, और उससे बाकी जो क्वेश्चन है ना वो आप नोटबुक या रजिस्टर पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, उसमें आपने बताना है येस और नो बताना है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 ना इस तरह से आपको दिया जाएगा, उसमें फर्स्ट पार्ट उसका लिखा हुआ है इज़ 12 अ फैक्टर ऑफ 36, क्या 12 जो है वो 36 का फैक्टर है, तो आपने देखना है कि 12 जो है वो टोटल 36 को डिवाइड करता है कि नहीं, रिमाइंडर जीरो आए, अगर तो जीरो आ जाएगा तो वो क्या होगा, उसका फैक्टर है, तो जो है 12 जो है वो टोटल 36 को डिवाइड कर लेता है, तो इसलिए इसका आंसर है येस। तो इसी तरह आपने बाकी क्वेश्चन में भी जस्ट येस और नो ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स, हाउ मेनी फैक्टर्स डज ईच नंबर हैव, आपने जो है कुछ नंबर दिए जाएंगे उनके आपने फैक्टर्स बताने हैं और बताना है कि इनके कितने कितने फैक्टर्स हैं, यानी कितने नंबर्स हैं, तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये नेक्स्ट पेज पे स्प्रिंग पैक पे आपका क्वेश्चन सिक्स का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, 25 वो क्वेश्चन है आपका, तो 25 किस किस नंबर से डिवाइड होता है, तो टोटल डिवाइड हो जाता है, और 25 से टोटल डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड हो जाता है और 1 से भी डिवाइड होता है, इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, 1, 5 एंड 25, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर है, टेक केयर क्लास, अल्लाह हाफिज़।